आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक टेक्निकल टॉपिक है। अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए आगे जो मज़ीद इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी हो जाएंगे। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टॉपिक की तरफ हम आते हैं। हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रैग्मैटिक्स। इसके बारे में मैं बताता चलूं कि दिस टॉपिक वाज इंट्रोड्यूस या दिस सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय मॉरिस इन 1930s एंड आफ्टर दैट इन 1970s इट बिकेम द पार्ट सब फील्ड या पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इसका मेन पर्पस क्या है, हम प्रैग्मैटिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, वो है इसलिए कि व्हेन यू वांट टू स्टडी the ways in which context contributes to meaning, it focuses on the users and the context of language use rather than on reference, truth or grammar. If you want to get full sense of the sentence, the message which is given by the speaker, then we study pragmatics for deeper sense and generally more reasonable account of human language behavior. हमारे जो इंसान कम्युनिकेट करते हैं इनका मीनिंग किस चीज पे बेस करता है, अंडरस्टैंडिंग कैसे हम करते हैं, इसके लिए प्रैग्मैटिक्स को स्टडी किया जाता है। प्रैग्मैटिक्स के फोर फंडामेंटल्स कॉर्नरस्टोन्स हैं जिसमें से फर्स्ट इज दैट communication involves complex intentions. Then, these intentions have to be inferred. Communication is governed by principles or maxims. There is fundamental distinction between explicit and implicit conveyance of information. एक वो होती है जो मुभम होती है, एक वो होती है जो हमें क्लियर जो हमारे पास मैसेज मिल जाता है। प्रैग्मैटिक्स इन्वॉल्व्स, इसकी थ्री जो बेसिक्स इन्वॉल्वमेंट है वो नंबर वन पे है यूजिंग लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को यूज किस पर्पस के लिए किया जा सकता है। जैसे हम लैंग्वेज को फॉर ग्रीटिंग, हेलो, हाय, गुड बाय, इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मिंग के लिए आई एम गोइंग टू गेट अ केक, डिमांडिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल गिव मी अ केक, प्रॉमिसिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गेट यू अ केक, रिक्वेस्टिंग के लिए अगर हम लैंग्वेज को रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, आई वुड लाइक अ केक प्लीज। प्रैग्मैटिक्स की सेकेंड इन्वॉल्वमेंट जो है वो है चेंजिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लिसनर सिचुएशन, यानी इफ यू वांट टू टॉक टू बेबी और एडल्ट में फर्क आता है ना, यानी टॉकिंग टू बेबी देन टू एन एडल्ट, आपको इसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, यानी दोनों से जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो दोनों में कन्वर्सेशन में फर्क होता है। आपको क्या करना पड़ता है, गिविंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू एन अनफेमिलियर लिसनर, स्पीकिंग डिफरेंटली इन क्लासरूम देन ऑन अ प्लेग्राउंड, दोनों पे यानी आप एक बच्चे से बात करने में फर्क है और बड़े से बात करने में फर्क है। इसी तरह अगर आप अनफेमिलियर किसी लिसनर से बात कर रहे हैं तो उसे आप अपनी कन्वर्सेशन का या जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं उसका बैकग्राउंड भी बताते हैं। एक क्लासरूम के अंदर बात करने का अंदाज और एक प्लेग्राउंड के अंदर बात करने का अंदाज दोनों डिफरेंट होते हैं, यानी चेंजिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज वेरी करती है। जब आप बच्चे के साथ बात करते हैं तो आपका वे ऑफ कन्वर्सेशन डिफरेंट होता है, कम्युनिकेशन का अंदाज डिफरेंट होता है, आप बड़े से बात करते हैं तो वो डिफरेंट होता है। इसी तरह कमरा एक क्लासरूम में यानी कमरा जमात में एक डिफरेंट वे है और आपका प्लेग्राउंड में
डिफरेंट वे होता है। दूसरा है हमारे पास थर्ड इसकी इन्वॉल्वमेंट, वो है फार्मिंग रूल्स फॉर कन्वर्सेशंस एंड स्टोरी टेलिंग सच एज, जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं या स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, टेकिंग टर्न्स इन कन्वर्सेशंस, इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक्स ऑफ कन्वर्सेशन, स्टेइंग ऑन टॉपिक, रिफ्रेजिंग व्हेन मिसअंडरस्टूड, जब आपके मिसअंडरस्टूड होता है तो आप उसे रिफ्रेज भी कर लेते हैं ताकि आपका मैसेज क्लियर हो जाए, यूज वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स, आप देखते हैं कि किस तरह आपने वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स को यूटिलाइज करना है अपनी कन्वर्सेशन के अंदर, हाउ क्लोज टू स्टैंड ऑन समवन व्हेन स्पीकिंग, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं ये आपके फॉलोइंग रूल्स में आ जाते हैं कि आपने अपने स्पीकर और लिसनर के दरमियान में यानी कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसके कितना क्लोज होके खड़े होना चाहिए ताकि आपका जो कन्वर्सेशन है वो उसको मैसेज आपका क्लियरली उसे मिल जाए। हाउ टू यूज फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कॉन्टेक्ट, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है। आप जब एक किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो देखिये बाजूकात हम बात करते हुए हमारा लहजा जो है वो बता देता है, हमारा आई कॉन्टेक्ट बता देता है कि आप उससे किस अंदाज में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीच एक्ट, इसे स्पीच एक्ट थ्योरी भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले आप समझ लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह जैसे स्पीच एक्ट है इसी तरह प्रैग्मेटिक्स भी डील करता है, हाउ व्हेन अ सेंटेंस इज अटर्ड बाय अ स्पीकर एंड व्हेन द स्पीकर अटर्स इट He, she performs an act. जब स्पीकर यानी एक सेंटेंस बोलता है और फिर वो सेंटेंस को जब वो क्या करता है कि सेंटेंस को एक्ट कर रहा होता है तो ऐसे समझ लें कि he is performing something. वो जो है वो कुछ बोल रहा होता है और जो उसका बोलने का जो अंदाज है that is called speech act. Pragmatics is also concerned with the function of utterance such as promising, requesting, informing, which are referred to as a speech act. Meaning in this sense involves to speaker's intentions to convey a certain meaning which may not be evident in the message itself. बात का स्पीकर जो आपको बोल रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग करने वाला जो लिसनर होता है वो उसको जो यानी एक उससे नतीजा जो ले लेता है मे भी उसके मैसेज का ये मतलब ही ना हो, तो इसलिए हमारे पास जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम प्रैग्मेटिक्स को स्टडी करते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू मैं इसे वाइंड अप करता हूं टॉपिक को, कि एग्जांपल में सपोज एक स्पीकर का मैसेज है, स्पीकर जब बोलता है तो वो कहता है देयर इज अ फ्लाई इन माय सो, स्पीकर्स इंटेंशंस मे बी कंप्लेन, लेकिन अ हियरर जो लिसनर है वो इसे कैसे इंटरप्रेट करता है, वो कहता है मे इंटरप्रेट इट नॉट जस्ट एज अ स्टेटमेंट बट एज अ रिक्वेस्ट, वो समझते हैं कि शायद स्पीकर उसे रिक्वेस्ट कर रहा है एंड टू टेक सोप अवे, और वो सोप को लेता है और वहां से हटा देता है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज सेड, ये जो डिस्टिंक्शन है जो स्पीकर के जो स्पीकर ने अटेंड की थी एंड व्हाट इज इंटेंडेड, यानी एक कहने का जो मैसेज था वो मैसेज क्या था और उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया, उसको कैसे इंटेंड किया गया, वो कैसे है, दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेंस एंड फोर्स, यानी सेंस और फोर्स के दरमियान में एक गैप आया। सेंस और फोर्स होती क्या चीज है, आइए हम इसको देखते हैं। सेंस क्या होते हैं, द प्रपोजिशनल कंटेंट और लॉजिकल मीनिंग, जो उस अटेंस की जो लॉजिकल मीनिंग थे उसको हम सेंस कहते हैं। फोर्स क्या होता है, द एक्ट परफॉर्म्ड ड्यूरिंग अटेंस, यानी जो आपने ड्यूरिंग आपने जो सेंटेंस बोला उस वक्त आपने एक्ट कैसे किया उसको हम कहते हैं फोर्स, इट इज कॉल्ड परफॉर्मेटिव मीनिंग। ये जो यानी स्पीच एक्ट की जो थ्योरी थी ये ऑस्टिन ने हमें डिफाइन की थी और उसने इसको बताया था कि आपके जो डिफरेंस आते हैं वो
सेंस एंड फोर्स का होता है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि प्लीज शट द डोर, इसमें सेंटेंस फॉर्म क्या है, इंपरेटिव है, सेंस क्या है शटिंग द डोर यानी समवन इज शटिंग द डोर, फोर्स क्या है रिक्वेस्ट। अब सो द सेंस एंड फोर्स आर फेमिलियर टू ईच अदर, दैट इज व्हाई दिस इज अंडरस्टूड। जब आप किसी को कहते हैं प्लीज शट द डोर तो ये अंडरस्टूड हो गया और दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई।